दीपावली का त्यौहार आने वाला है और दीपावली के त्यौहार से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व सिर्फ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का ही नहीं बल्कि भगवान धन्वंतरी के पूजा का दिन भी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है और आयुर्वेद के देवता की पूजा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि वाराणसी में एक ऐसा कुआं है जिसे धन्वंतरी कूप के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मृत्यु पर विजय पाने वाले महामृत्युंजय मंदिर के अंदर परिसर में ही यह कुआं स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जब वाराणसी में सभी देवताओं को बुलाया गया था उस वक्त भगवान धन्वंतरी भी वाराणसी पहुँचे और काशी की स्थापना के बाद वह यहीं पर थे, लेकिन स्वर्ग लोग वापस जाने से पहले उन्होंने अपनी आयुर्वेद की सारी पोटलियों को इसी कुएं में डाल दिया था। यही वजह है कि इस कुएं के 8 अलग अलग घाटों से मिलने वाला 8 पानी अलग अलग स्वाद का होता है। हर कुएं के पानी का अलग महत्व है और यहाँ मिलने वाली औषधियों से तमाम उस बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है जिसका आयुर्वेद में कुछ दवाओं से ही इलाज संभव है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का पानी पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और दिन भर में बड़ी संख्या में कई बाल्टी पानी यहाँ पर सिर्फ लोगों को पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस कुएं से निकलने वाला जल अमृत रूप में माना जाता है और पेट के लिए अति उत्तम होता है। यहाँ पर दूर दूर से वैद्य भी आते हैं और इस कुएं के पानी को ले जाकर अपनी दवाओं में मिलाकर उसे अमृत रूपी दवा बनाने का कार्य करते हैं। यहाँ आने वाले वैद्यों का कहना है कि यह कुआं अपने आप में औषधियों से भरा हुआ है और आज भी वह औषधियाँ लोगों को लाभ पहुँचा रही हैं। यही वजह है कि लोग दूर दूर से इस जगह का पानी पीने के लिए पहुँचते हैं। धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन तो यहाँ पर बड़ी भीड़ लगती है और लोग दूर दूर से देश विदेश से यहाँ पर आते हैं इस कुएं का जल पीने के लिए, और यहाँ पर होने वाली भीड़ आज भी अंदाज़ा लगा सकती है कि सच में भगवान धन्वंतरी की औषधियों से युक्त यह अमृत कूप आज भी लोगों की तमाम व्याधियों और बीमारियों को दूर करने का काम कर रहा है। काशीराज दियोदास धन्वंतरी जो काशी के राजा थे, जिन्होंने इस काशी नगरी को पुनः स्थापित किया था, उन्हीं के द्वारा स्थापित ये धन्वंतरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और स्वर्ग जाने से पूर्व उन्होंने अपनी अष्टवर्ग की औषधियाँ जो आयुर्वेद में अमृत तुल्य इसी कुप में डाला था। यह कुप इसीलिए अष्टकोणी है, 8 भाग द्वार इसके हैं और यह कुल आयुर्वेद के अष्ट धातु का प्रतीक है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अप्त, शुक्र और ओध, ये 8 धातु होते हैं। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, अष्टांग आयुर्वेद इसीलिए उसको कहा जाता है। और उसके थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो आयुर्वेद सर्वव्यापी, विश्वव्यापी, सर्वग्राही है और इस कुप पे जो अष्टवर्ग की औषधियाँ पड़ी उसका प्रभाव सदियों तक रहता है और आज भी वैज्ञानिक रूप से इसकी प्रमाणिकता बनी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसके पानी के सेवन से तमाम असाध्य रोगों को भी दूर होते हैं, पेट की बीमारियाँ दूर होती हैं। ये तो ठीक है, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन जल जो है ये चिकित्सा विज्ञान में वारी जो है ये अमृत है। और पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि ये 5 तत्व है, इसमें जल भी एक तत्व है। इसी 5 तत्वों से आयुर्वेद के त्रिदोष की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से जल और अग्नि तत्व के मिलने से पित्त की उत्पत्ति हुई है और जितनी बीमारियां पित्त के कारण होती हैं उनका समन होता है। क्योंकि इसमें अष्टवर्ग की औषधियाँ पड़ी हुई हैं, अष्टवर्ग की औषधियाँ अमृत तुल्य मानी जाती हैं और आज के दिन में लगभग बहुत सी इसमें से औषधियाँ नहीं मिलती। और इस कुएं में चूँकि उसका सूक्ष्म रूप से अणु रूप में उसका प्रतिकरण आज भी मौजूद है, इसलिए उदर रोगों में और कहा जाए तो शरीर की व्याधि से लड़ने की शक्ति, जिसको व्याधि बल विरोधी तत्व कहते हैं, उसको बढ़ाने में इस जल का अति महत्वपूर्ण का है। ये जो है काशी में महामृत्युंजय मंदिर में जो है धन्वंतरी कूप के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ जो भी पानी पीता है वो अमृत समान है और निरोग आदमी रहता है, इसका यही कारण है। क्योंकि ये धन्वंतरी वैद्य जी के सारी औषधियाँ इसी में मिली हुई है, इसलिए जो उसका जल पीता है वो निरोग रहता है।